राजस्थान में भी चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिला अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष निजाम कुरैशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही साथ राजस्थान की सभी 35 जिलों के अध्यक्षों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजाम कुरैशी ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और मुस्लिमों की अनदेखी इस दौरान की, टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार हुआ है, ये आरोप लगाया गया है। मुस्लिमों को बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मुस्लिमों से बातचीत ही नहीं की। निजाम कुरैशी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की कि इस बार टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष निजाम कुरैशी समेत राजस्थान के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, जो कि अल्पसंख्यक विभाग में थे। हमारे साथ निजाम कुरैशी जी हैं। निजाम जी, आखिरकार क्यों इस्तीफा देना पड़ा? जिस कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, अल्पसंख्यक विभाग के, आपने राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा किया, आज चुनाव से पहले क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है? ये चुनाव से इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है कि हमारी बहुत अनदेखी हुई है, टिकट देने में भ्रष्टाचार हुआ है और माइनॉरिटी के लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। हमें पिछले 5 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, एक गाँव गाँव ढानी ढानी जाकर मैंने ये संगठन खड़ा किया, जब इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग को कोई जानता नहीं था। मैंने उसे पहचान बनाई और लोगों को कांग्रेस से जोड़ा, एक बड़ी जमात को जोड़ा। और कांग्रेस इस बार सरकार आने की, बिल्कुल हर आदमी कहता था कि सरकार आ रही है कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह का पार्टी प्रेसिडेंट का रवैया है उससे मजबूर होकर बाहुबलियों को टिकट दिया, धन वालों को टिकट दिया गया और बाकायदा उसके हिसाब से उन्होंने अपने मर्जी से जिसको चाहे एक तरह से हठधर्मी से लोगों को टिकट दिए गए। हमारी अवहेलना हुई है इसलिए हमने इस्तीफा दिया। आपके साथ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? करीब 35 लोगों ने इस्तीफा दिया, 35 जिले हैं, 35 के 35 लोगों ने, ये इस्तीफा मेरे हाथ में। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष से जब पद पे आप काम करते हैं आपकी सुनाई नहीं हो रही है तो फिर क्या फायदा है ऐसे पद पे रहने से? कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी माँ है, राहुल गांधी हमारे नेता है, अब उनसे टाइम मांगा है, टाइम मिलेंगे, सारी बातें उनको बताएंगे। और विशाल पांडे हमारे सहयोगी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विशाल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर से राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो इस बार राजस्थान के प्रति तो कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, लेकिन निजाम कुरैशी या फिर मुस्लिम समुदाय की, अल्पसंख्यक की अगर हम नाराजगी की बात करें तो ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। क्या अब इस नाराजगी के बाद, इस्तीफे के बाद में कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की निजाम कुरैशी और उन तमाम नेताओं से जिन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए नैना, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद 35 जिलों के जिला अध्यक्ष समेत पूरे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं, बाहुबलियों को टिकट दिया गया है, मुस्लिमों की बात नहीं सुनी गई, मुस्लिमों से बातचीत नहीं की गई, सचिन पायलट पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा आरोप लगा है कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर। दूसरी तरफ निजाम कुरैशी ने इस बात का भी दावा किया है कि मुस्लिमों को बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है, वो आगे की मीटिंग करके इस बात को तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। नैना, बिल्कुल विशाल, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अगर इस तरह की नाराजगी सामने आती है पार्टी के अंदर से ही तो मुश्किलें हो सकती हैं। तो क्या पार्टी लीडर, सीनियर लीडर्स जो हैं वो अभी किसी तरह से बात करने की बात कुछ कह रहे हैं या फिर मुलाकात या इन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इतने बड़े इस्तीफे के बाद से, क्योंकि 35 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है, पर अभी तक कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस राजस्थान में इस संकट से कैसे उभरती है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही है लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से ही असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है कांग्रेस के लिए राजस्थान में। नैना, बिल्कुल विशाल, अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस पूरी सिचुएशन को कैसे फेस करती है, हैंडल करती है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन कहा जा सकता है अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उनके साथ में जो बाकी जिला अध्यक्ष हैं उनका भी अगर इस्तीफा हुआ है तो ये कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए।